जब मैं 28 तारीख को शपथ लेने गया तो जो हमसे पहले जो विधायक थे 2017 के कार्यकाल में, तब वो विधायक हमको बताते थे कि अच्छा हुआ हमारे 125-126 विधायक आ गए। पहले कुल 47 विधायक थे और 47 में से कभी हाउस के अंदर 30 आते थे, कभी 25 आते थे, कभी 35 विधायक आते थे। और योगी जो कि नेता सदन थे वहां पर, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष है, तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी, एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे घर के नजदीक नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने, तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुनी धुआं नहीं निकले और गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है, सबको एक एक लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे और कोई जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो आप हमें बताएं, संगठन को बताएं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करेगी, उन्माद फैलाने की कोशिश करेगी तो हम भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं संजीव सक्सेना साहब को कि जिन्होंने एक आलीशान प्रोग्राम का भी और प्रोग्राम के बाद खाने का भी इंतजाम किया। एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई की मांग की गई है, तो क्या कार्रवाई की मांग की गई है? आज मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उनके द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उस वीडियो की जांच कराई जा रही है, जो भी इसमें तत्व प्रकाश में आएंगे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है और भी इसमें जानकारी प्राप्त की जा रही है, जो भी तत्व प्रकाश में आएंगे इसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।